ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव होता क्या है, नाम से इस क्लियर हो रहा होगा। स्टैंडिंग वेव मतलब जो ऐसा वेव जो सिर्फ स्टैंड हो, यानी कि वो आगे की तरफ जाता हुआ हमें ऐसा ना लगे कि वो आगे की तरफ जा रहा है, तो इस तरह के वेव को बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। कैसा दिखता है स्टैंडिंग वेव, क्या होता है स्टैंडिंग वेव में, हम हर एक चीज की बारीक से एकदम बात करेंगे। पहले तो अपन स्टैंडिंग वेव को समझते हैं कि आखिर स्टैंडिंग वेव बनता कैसे है। सबसे पहले अपन इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन लेते हैं और फिर अपन मैथमेटिकल इक्वेशन निकालेंगे, क्योंकि ज्योमेट्री से अगर अपने को समझ में आ गया सब कुछ कि आखिर स्टैंडिंग वेव कैसे बन रहा है, तो फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में तो कुछ रहा ही नहीं है। अरे बात समझ, तो अपन चलो स्टार्ट करते हैं स्टैंडिंग वेव पढ़ना। तो स्टैंडिंग वेव बनाने के लिए सबसे पहले अपन ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझने के लिए अपन क्या बोलते हैं कि यार चलो ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्राफ। किसका ग्राफ बनाना है हम लोग? मान लो मैंने बोला एट टी इक्वल टू जीरो का अपन ग्राफ बना रहे हैं। एक वेव टी इक्वल टू जीरो पे ऐसे है, एम्पलीट्यूड मैंने इसका एज्यूम कर लिया ए, टी इक्वल टू जीरो की सिचुएशन बता रहे हैं। दूसरा वेव जो है वो भी ऐसी ही है, इसका भी एम्पलीट्यूड ए है, बट दोनों में एक डिफरेंस है, ये वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में भाग रही है और ये निगेटिव भाग रही है, सेम वेलोसिटी वी से एक पॉजिटिव में जा रहा है और एक निगेटिव में जा रहा है, ये अपने आप फिक्स है। मैंने क्या किया, दोनों वेव को सिंगल स्ट्रिंग पे सुपर इम्पोज करवाया, अपने को सुपर पोजिशन का प्रिंसिपल तो पता ही है, ए प्लस ए एम्पलीट्यूड क्या हो गया, डबल हो गया, ये जीरो प्लस जीरो जीरो, ए प्लस ए 2a, तो ये तुरंत में ऐसा कुछ सुपर इम्पोज हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 2a और ये भी हो गया 2a, ये सुपर इम्पोज हो गया। ये बात कब हुई, ये बात तब हुई जब अपन बात कर रहे थे t इक्वल टू जीरो पे, दोनों वेव एक इधर जा रहा था, हमने सुपर इम्पोज करवाया तो हमें कुछ ऐसा नेट वेव मिला, हमें ये नेट वेव मिला। मैंने देखा, अब मैंने बात किया यार एक काम करो, टाइम थोड़ा बीत गया, एट टी इज इक्वल्स टू कैपिटल टी बाई फोर, कैपिटल टी बाई फोर मतलब कितना आगे बढ़ गया होगा वे, पाई बाई टू, भाई कैपिटल टी बाई फोर मतलब वन फोर्थ वेव आगे बढ़ गया होगा और ये वन फोर्थ पीछे चला गया होगा, ऑब्वियसली बात यही होना है। तो अब टी इक्वल्स टू टी बाई फोर की सिचुएशन मैंने दोबारा से बनाई दोनों वेव की, मैंने क्या देखा इस सिचुएशन में क्या हुआ, गौर से देखना, ये वाला जो वेव था, ये वाला वेव, ये तो आगे जा रहा था, तो ये आगे की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो गया, t इज इक्वल्स टू टी बाई फोर पे ये वाला वेव आगे की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो गया, t इक्वल टू टी बाई फोर पे ये वेव थोड़ा पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया, जब पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ तो ग्राफ कुछ ऐसा बन गया, बहुत बढ़िया। अब मैंने बोला यार ये तो a है और तुमने बोला यार ये तो माइनस ए है, प्लस ए माइनस ए जीरो, जीरो माइनस ए प्लस ए जीरो, प्लस ए माइनस ए जीरो, इन दोनों को जब हमने सुपर इंपोज करवाया तो हमें एक सिर्फ ऐसा स्ट्रिंग दिखा, क्योंकि हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हमें यहां पर जीरो दिख रहा है, ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जिसका कुछ डिस्प्लेसमेंट है, हर सिंगल पॉइंट का यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो है हर पॉइंट का। ये कब बात हुई है, जब टी की वैल्यू टी बाई फोर के बराबर है, आई बात समझ में, ये बात तब है जब टी की वैल्यू टी बाई फोर के बराबर है। अब आगे की बात करते हैं, देखो मैं बात करता हूं एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, टी इज इक्वल टू कैपिटल टी की बात करता हूं, t इज इक्वल्स टू कैपिटल t में अगर तुम गौर से देखो तो कैपिटल t नहीं बात करो, कैपिटल t बाई टू की बात करो, अभी हाफ टाइम पीरियड की बात करते हैं, कैपिटल t बाई टू में वो पीछे वाला जो पोर्शन था, ये पीछे वाला जो साइन वेव था वो पूरा उठ के आगे आ गया, पूरा आगे आ गया, जैसे ये पूरा आगे आ गया देखना ये वेव हो गया ऐसा, और ये पूरा पोर्शन आगे उधर चला गया, ये पूरा पोर्शन उधर गया तो ये कैसा हो गया, ये भी ऐसा हो गया,
फिर से हमने दोनों को सुपर इम्पोज करवाया, प्लस ए माइनस ए माइनस ए, टू ए प्लस ए प्लस ए, टू ए, ऐसा हो गया। हमने बोला यार टी इक्वल्स टू टी बाई टू हो गया, अब एक काम करो, एट टी इज इक्वल्स टू थ्री टी बाई फोर की बात कर लेते हैं। थ्री टी बाई फोर मतलब वन फोर्थ और खिसका दो, थ्री टी बाई फोर मतलब वन फोर्थ और खिसका के सुपर इंपोज करो, वही सेम काम। अभी तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर हम ये कर क्यों रहे। तुमने वन फोर्थ इसको आगे खिसकाया, तुमने वन फोर्थ इसको आगे खिसकाया, ये ऐसा और ये ऐसा, खिसकाओ, नहीं उल्टा कर दिया मैंने, देखो सॉरी, देखो वन फोर्थ खिसकाया जैसे, तो ये ऐसा, इसकी बात करो इसको उधर खिसकाओ और ये ऐसा, वापस सुपर इंपोज करवाया, प्लस ए माइनस ए माइनस ए प्लस ए, जीरो जीरो हो गया। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं कि टी इज इक्वल टू कैपिटल टी की बात करो, तो टी इज इक्वल टू कैपिटल टी पे वापस से वो पिक्चर रिपीट हो जाएगा, एक टाइम पीरियड के बाद वापस से वो पिक्चर रिपीट हो जाएगा। तीनों सिचुएशन को तुम एक साथ देखने की कोशिश करो, तीनों सिचुएशन को तुम एक साथ देखने की कोशिश करो, ये एक दो तीन चार, चारों सिचुएशन को एक साथ देखने की कोशिश करो। अगर तुमने चारों सिचुएशन को एक साथ देखने की कोशिश की, अगर तुमने चारों सिचुएशन को एक साथ देखने की कोशिश की, तुम एक चीज गौर करोगे, बहुत अच्छी सी बात गौर करोगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो है। देखो पहले वाले केस में भी जीरो है, दूसरे वाले केस में भी जीरो है, तीसरे वाले केस में भी जीरो है, चौथे वाले केस में जीरो है। उसके बाद तुम लैम्डा बाय टू आगे बढ़ो, लैम्डा बाय टू पे भी एक ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो है। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ो, फिर लैम्डा वाला भी एक ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही जीरो है। पहले ग्राफ को अगर मैं यहां प्लॉट करूं, पहले वाले ग्राफ को, रिजल्टेंट, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ रिजल्टेंट की, रिजल्टेंट को जब मैंने प्लॉट किया फर्स्ट टाइम को, तो वो रिजल्टेंट मुझे ऐसा दिखा। मैंने दूसरे वाले को प्लॉट किया तो मुझे वो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसा दिखा। मैंने तीसरे वाले को प्लॉट किया तो वो ऐसा दिखा, चौथे को प्लॉट किया फिर ऐसा दिखा। तो मैं क्या देख रहा हूं, ये एक ऐसा लूप बन रहा है जिस लूप में कुछ पॉइंट तो ऐसे हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट हर सिचुएशन में जीरो है, और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट टू ए तक गया है, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट टू ए से कम भी है। यानी कि यहां से मैं क्या कंक्लूड कर रहा हूं, इस वेव को ही बोलते हैं स्टैंडिंग वेव, इसी वेव का नाम है स्टैंडिंग वेव। एक्चुअली स्टैंडिंग वेव ऐसा नहीं कि जो स्टैंड है, मतलब क्या हुआ, हमें ऐसा दिख रहा है एक्चुअली ये वेव आगे की तरफ या पीछे की तरफ प्रोपेगेट नहीं कर रहा है, ये वेव नीचे गया ऊपर आ रहा है, ये ऑसिलेट कर रहा है हर पार्टिकल, ऐसे वेव में तो ऊपर नीचे करता ही है, बट यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हर पार्टिकल का अपना एक खास एम्पलीट्यूड है, जिस एम्पलीट्यूड के अबाउट वो पार्टिकल अपने पोजीशन से ऑसिलेशन कर रहा है, सिर्फ हार्मोनिक मोशन कर रहा है। कुछ पार्टिकल ऐसा भी है जिसका एम्पलीट्यूड ही जीरो है, कुछ पॉइंट ऐसा भी है जिसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तक गया है टू ए, कुछ पॉइंट ऐसा भी होगा जिसका एम्पलीट्यूड ए बाई टू होगा, कुछ पॉइंट ऐसा भी होगा जिसका एम्पलीट्यूड ए बाई थ्री होगा, कुछ ऐसा होगा जिसका एम्पलीट्यूड ए होगा, मतलब वो वाइब्रेशन का हर पार्टिकल का अलग अलग एम्पलीट्यूड है, और हमें ऐसा दिख रहा है कि ये वेव ऐसे 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 से वाइब्रेट कर रही है। इसी वेव का नाम है स्टैंडिंग वेव, इसी वेव का नाम है स्टैंडिंग वेव, इसी को बोलते हैं, इसी पर्टिकुलर वेव को बोलते हैं स्टैंडिंग। अब स्टैंडिंग वेव इसका नाम तो पड़ गया,
जिस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो है, जिस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो है, उन पॉइंट्स को बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? नोड। ऐसे पॉइंट जिनका डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो है, उन पॉइंट्स को बोलते हैं नोड। उसके अलावा ऐसा पॉइंट जिसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, जैसे ये हुआ ये हुआ, इनको बोलते हैं एंटी नोड। जिस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो रहा है, 2a तक गया है, उनको बोलते हैं एंटी नोड। जिसका डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है उसको बोलते हैं नोड। ये सारी बातें हमने कर ली ज्योमेट्रिकली, बट अब हमें वो पॉइंट निकालना है। हमें दिख रहा है कि ये दूरी लैम्डा बाई टू होगी, ये लैम्डा बाई टू होगी, दो नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाई टू होगी, बट अपने को मैथमेटिकली प्रूफ करना है, स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन डिराइव करना है कि आखिर स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें होती है। वो सारी बातें हम लोग को स्टैंडिंग वेव के बारे में करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं स्टैंडिंग वेव के इक्वेशन से। ठीक है, देखो जो हम क्या बोल रहे हैं, सपोज करो अपने को इक्वेशन डिराइव करना है, तो हमने एक वेव ऐसा मान लिया जो पॉजिटिव में भाग रहा है, जिसका इक्वेशन कैसा होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम इस पॉइंट की बात करो तो ये पॉइंट नीचे जा रहा है, तो इसका इक्वेशन मोर और लेस कुछ ऐसा होगा, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइ, और फाइ कितना होगा? तो ये पॉइंट नीचे जा रहा है इसलिए फाइ की वैल्यू होगी पाई। ये क्वेश्चन हुआ, तो पाई साइन क्या हो जाएगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के। सिमिलरली मैंने बोला कि एक अपन दूसरा वेव पकड़ते हैं जो सेम तो है बट वो इधर जा रहा है, इसकी इक्वेशन मुझे बोला, तो ये पॉइंट ऊपर जा रहा, तो इसका इक्वेशन जो हो जाएगा ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। फाइ इसका इसके लिए जीरो होगा क्योंकि ये पॉइंट ऊपर जा रहा है, मीन से ऊपर जा रहा है, यानी कि फाइ की वैल्यू जीरो है मीन पे अभी फिलहाल। ये मीन से नीचे जा रहा था इसलिए प्लस फाइ हमने ऐड किया। ये तो नॉर्मल वेव की इक्वेशन है, इसको मैंने बोल दिया वाई वन, इसको बोल दिया वाई टू। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों वेव को सुपर इम्पोज करना है। दोनों का एम्पलीट्यूड ए है, ऐसा अपन एज्यूम करके चल रहे हैं कि दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, ए है। हमें दोनों वेव को करना है सुपर इम्पोज। हमने बोला सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वाई नेट इज इक्वल्स टू वाई वन प्लस वाई टू। यही बोलता है, y net क्या होता है, y1 plus y2 होता है। चलो ऐड करते हैं, जैसे हमने y net निकाला, हमने बोला y net आ गया माइनस a sin omega t minus kx plus a sin omega t plus kx, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। यानी कि तुम अगर गौर से देखो तो अगर मैं a कॉमन ले लू, a बाहर ले लू, तो ये लिखा हुआ है sin ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लिखे रहने दो। अब मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ कि साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस डी बाई टू, टू टाइम्स ऑफ साइन सी माइनस डी बाई टू इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू। या तो ऐसे कर लूँ, या तुम एक काम करो इस माइनस को अंदर ही भेज के काम चलाओ, या तो तुम ऐसे लिख लो, या काम करो इस माइनस को अंदर भेज के और यहां प्लस लेके चलो, कुछ भी ले लो कोई फर्क ऐसे पड़ता नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी का टू टाइम्स ऑफ साइन सी माइनस डी बाई टू इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और अपन रिजल्ट देखते हैं कि क्या आता है, रिजल्ट क्या आता है। तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग टू तो बाहर रहा, साथ में टू के साथ एक ए भी बैठ गया बाहर में, मैं भी हूं साथ। साइन सी माइनस डी, अब देखना सी माइनस डी, इसको हमने एज्यूम किया सी, इसको एज्यूम किया डी, सी माइनस डी ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या आ गया टू के एक्स बाई टू एक्स, टू के एक्स बाई टू के एक्स आ गया इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू
cos c plus d, जैसे तुम ऐड करोगे plus kx minus kx तो गया omega t plus omega t 2 omega t 2 omega t by 2, that is equals to ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आ गया 2a sin kx plus cos omega t. ये स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन है. दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव. इसमें दो टर्म है, एक है साइन के एक्स और एक है कॉस ओमेगा टी. ये दोनों टर्म का अपना अपना एक फिजिकल सिग्निफिकेंस, एक फिजिकल मतलब है. जनरली एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है, ए साइन ओमेगा टी. जनरली एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है, ए साइन ओमेगा टी. यानी कि ओमेगा टी वाला जो टर्म है वो ये बता रहा होता है कि जो पार्टिकल है वो ऑसिलेट कर रहा है. भाई अगर साइन ओमेगा टी वाला टर्म नहीं होता, अगर मान लो साइन ओमेगा टी वाला टर्म नहीं होता, तो हमें कैसे पता चलता कि वो एसएचएम कर रहा है. यानी कि वो ओमेगा टी वाला टर्म ये बता रहा है कि एक्चुअली पार्टिकल जो है वो तुम्हारा एसएचएम कर रहा है, और एसएचएम ऐसे कर रहा है कि टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, उसका एक टाइम पीरियड है. यानी कि ये टर्म ओमेगा टी वाला यहां आया है, ये अपने को बता रहा है कि वो पार्टिकल क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है, एसएचएम कर रहा है. तो ये वाला जो टर्म है 2a sin kx, ये क्या बता रहा है. अगर मान लो तुमने किसी x दूरी वाले पार्टिकल की बात की, तो उसके लिए ये टर्म तो कांस्टेंट हो गया. भाई मान लो एक स्ट्रिंग वेव में तुमने x इक्वल्स टू 2 मीटर डाला, इस इक्वेशन में x इज इक्वल्स टू 2 मीटर डाला, यानी कि 2 मीटर वाले पार्टिकल को तुम देख रहे हो. x इज इक्वल्स टू 2 मीटर वाले पार्टिकल को अगर तुम देख रहे हो, x इज इक्वल्स टू 2 मीटर वाले पार्टिकल को अगर तुम देख रहे हो, तो ये टर्म तो कांस्टेंट हो गया, ये टर्म तो वेरी नहीं कर रहा है, x फिक्स हो गया, तो सिर्फ टाइम वेरी कर रहा है. यानी कि ओवरऑल ये टर्म मेरा एम्पलीट्यूड बता रहा है. किसका एम्पलीट्यूड, x दूरी वाला पार्टिकल मैक्सिमम कितना जा सकता है. क्योंकि मैंने अभी बताया स्टैंडिंग वेव में हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है. एसएचएम कर रहे हैं सब पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, पर हर एक का एम्पलीट्यूड 2a के बराबर नहीं होता. किसी का a भी होता है, किसी का 0 भी होता है, किसी का 2a भी होता है. यानी कि ये पूरा टर्म अपने को दे रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल विच आर डूइंग एसएचएम इन स्टैंडिंग वेव. आगे बात सुनिए, ये अपने को एम्पलीट्यूड बता रहा है. यानी कि अब मैं यहां से कुछ चीजें तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि ये तो चलो एम्पलीट्यूड दे दिया, जनरल एक्सप्रेशन जो होता है जनरली. अब यहां से इस एम्पलीट्यूड से अपन जनरली बहुत सारी बातें निकालते हैं. क्या क्या निकालते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं नोड की. सबसे पहला अपना बात आता है नोड का. नोड क्या होता है, नोड ऐसा पॉइंट होता है जिसका खुद का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो. नोड ऐसा पॉइंट होता है जिसका डिस्प्लेसमेंट, या जिसका ऐसा मान लो जिसका एम्पलीट्यूड जीरो हो. नोड ऐसे पॉइंट है जिनका एम्पलीट्यूड जीरो. यानी कि एम्पलीट्यूड अगर जीरो होगा तो अपने को पता करना है कि भाई नोड कितने दूरी पे एग्जिस्ट करेगा. तो मैंने क्या बोला, 2a sin kx को मैं जीरो डाल दूं, तो sin kx इज इक्वल्स टू जीरो. sin kx इज इक्वल्स टू जीरो, और sin kx इक्वल टू जीरो अगर इसका जनरल सॉल्यूशन निकालो तो kx कितना आ जाएगा, n पाई, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, सब में साइन 0 होता है. यानी कि k की वैल्यू कितनी, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x इज इक्वल्स टू n पाई. पाई से पाई काट दो, x की वैल्यू आ गई n लैम्डा बाय 2. यानी कि एक तो मेरा x 0 आ सकता है, 0 पे नोड एग्जिस्ट करेगा. दूसरा नोड कहां एग्जिस्ट करेगा, 1 डालो लैम्डा बाय 2. तीसरा 2 डालो, 2 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2. ये सारा इन सभी पॉइंटों पे नोड एग्जिस्ट करेगा. अब कैसे तुम्हें पता चला, देखो मान लो ये स्टैंडिंग में बनाया मैंने, x इक्वल टू 0 पे एक नोड, x इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 पे दूसरा नोड, x इज इक्वल्स टू लैम्डा पे तीसरा नोड. ये नोड एग्जिस्ट करेगा. आई बात समझ में. अच्छा, एक लूप में अगर मैं एक लूप या दो लूप की बात करूं, देखो कितने नोड है और कितने एंटी नोड है, चलो अपन इसकी बाद में बात करेंगे. ये सारे पॉइंट हो गए, ये दूरी हो गई. अब मैं तुम्हें पूछ दिया कि दो नोड के बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड. दो नोड के बीच की दूरी कितनी है, देखो दो नोड के बीच की दूरी है लैम्डा बाई 2. दो नोड के बीच की दूरी कितनी है, लैम्डा बाई 2. सिमिलरली अपन अब बात करते हैं एंटी नोड. एंटी नोड क्या होता है, ऐसा पॉइंट जिसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो.
यानी कि मैक्सिमम प्लस टू ए भी हो सकता है, मैक्सिमम माइनस टू ए भी हो सकता है। तो ऐसा पॉइंट जिसका डिस्प्लेसमेंट टू ए होगा, तो ठीक है एम्पलीट्यूड वाला इक्वेशन क्या है, टू ए साइन के एक्स बराबर टू ए लिख दिए, इसको हमने बोल दिया एंटीनोड, टू ए से टू ए कट गया, सॉरी प्लस माइनस भी आगे लगा दो, यानी कि साइन के एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, यानी कि साइन के एक्स इज इक्वल टू जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, यानी कि टू एन प्लस वन पाई बाई टू, देखो पाई बाई टू थ्री पाई बाई टू, ये आ गया साइन के एक्स की वैल्यू, ये के एक्स की वैल्यू आ गई, साइन साइन कट गया, साइन के एक्स बराबर साइन ऑफ टू एन प्लस वन पाई बाई टू, साइन साइन गया तो ये के एक्स आ गया, के की वैल्यू क्या होती है, टू पाई बाई लेमडा इंटू एक्स इज इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू। यहां से तुम एक चीज गौर कर सकते हो कि यहां से पाई और पाई कट गया, तो लेमडा जो आ रहा है, एक्स जो आ रहा है वो आ रहा है टू एन प्लस वन लेमडा बाई फोर, यानी कि कहां का एंटी नोड होगा, एक्स इक्वल टू लेमडा बाई फोर, एन की वैल्यू जीरो डालो तो पहला लेमडा बाई फोर पे होगा, दूसरा कहां पे होगा, लेमडा बाई टू प्लस लेमडा बाई फोर, यानी कि थ्री लेमडा बाई फोर, लेमडा बाई फोर, थ्री लेमडा बाई फोर, फाइव लेमडा बाई फोर, ये सारा वैल्यू होगा जहां पर एंटी नोड आ रहा होगा। एंटी नोड बोले तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। सिमिलरली कुछ जनरल सवाल पूछ देगा कि वो पॉइंट बताओ जहां पर एम्पलीट्यूड ए आ रहा होगा, अरे भाई ए आ रहा होगा तो ठीक है टू ए साइन के एक्स इज इक्वल टू ए, ए डाल देंगे, यानी कि साइन ऑफ के एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू, सबसे पहले कितने पे आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाई सिक्स हो जाएगा, पाई बाई सिक्स हो जाएगा, के की वैल्यू क्या होगा, टू पाई बाई लेमडा, टू पाई बाई लेमडा इंटू एक्स इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स, पाई पाई कट गया, एक्स की वैल्यू आ गई लेमडा बाई 12, देख लो ये आ गई वैल्यू। तो अपन कुछ भी निकाल सकते, वो सारा पॉइंट निकाल सकते हैं जहां पे नोड आ रहा हो, एंटी नोड आ रहा हो। अब इसे बोलूं कि दो एंटी नोड के बीच की दूरी, दो एंटी नोड के बीच की दूरी, देखो लेमडा बाई फोर प्लस लेमडा बाई फोर, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड भी यहां कितना होगा, लेमडा बाई टू के बराबर ही होगा। अब मैं तुम्हें बोलूं डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड एंड एंटी नोड, नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी कितनी होगी, तो ये लेमडा बाई फोर होगा। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड एंड एंटी नोड इज लेमडा बाई फोर। बट सवाल ये है कि क्या ये नोड हमेशा इसी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा या वैल्यू बदल भी सकती है। वैल्यू जरूरी नहीं है कि नोड सिर्फ इसी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करे, मतलब x बराबर जीरो पे ही एग्जिस्ट करे, वो अपना डिपेंड करेगा उस एक्सप्रेशन के ऊपर। अब तुम बोलोगे वो एक्सप्रेशन चेंज भी हो सकता है, बिल्कुल चेंज हो सकता है। चलो अपन बात करते हैं कि आखिर जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है। स्टैंडिंग वेव का जो जनरल एक्सप्रेशन आता है वो क्या आता है, अपन इसकी बात करते हैं। किसी भी स्टैंडिंग वेव का जो जनरल एक्सप्रेशन आता है वो आता है y इज इक्वल टू टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन, प्लस फाइव वन प्लस इंटू कॉस ए साइन ही लिखू, साइन के एक्स प्लस फाइव टू। इस के एक्स वाले टर्म को इधर ले आओ, बेटर मैंने उल्टा ही ले लिया, टू ए साइन के एक्स प्लस फाइव टू एंड साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, मैंने उल्टा लिख दिया। ये जनरल एक्सप्रेशन होता है स्टैंडिंग वेव का। इसमें फाइव वन और फाइव टू एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। क्या रोल प्ले करता है, क्योंकि फाइव टू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फेज डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, यहां पे फाइव वन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। अब इसका क्रूशियल रोल का मतलब क्या, मैं समझाता हूं। जैसे एक एग्जांपल से बात करते हैं, जनरली हमारे जो सवाल था उसमें फाइव टू की वैल्यू जीरो थी, बट चलो एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि यार एग्जांपल के तौर पे ऐसे मानो ये जनरल एक्सप्रेशन है, ये स्टैंडिंग वेव का जनरल एक्सप्रेशन है, ये स्टैंडिंग वेव का जनरल एक्सप्रेशन है। अगर कोई भी स्टैंडिंग वेव होगा तो इस एक्सप्रेशन के टर्म में वो दे सकता है। अब इस फाइव टू का मैं सिग्निफिकेंस बता रहा हूं। मान लो एग्जांपल में कोई स्टैंडिंग वेव दिया वाई इज इक्वल टू टू ए साइन के एक्स प्लस पाई बाई सिक्स, प्लस पाई बाई सिक्स इंटू साइन ओमेगा टी, ऐसा कुछ दिया हुआ है, इसका फेस जीरो है और यहाँ प्लस पाई बाई सिक्स दिया हुआ है। अब इस प्लस पाई बाई सिक्स का मतलब क्या हुआ, मैं समझाता हूँ। इस प्लस पाई बाई सिक्स का मतलब क्या हुआ समझाता हूँ। अब मैंने बोला यार एम्पलीट्यूड जीरो कब होगा, जब इसकी वैल्यू जीरो हो,
यानी कि मैं उस पॉइंट वो पॉइंट निकालना चाह रहा हूं जिस पॉइंट के लिए मेरा एम्पलीट्यूड डी जीरो, इसको जीरो कर दिया, यानी कि वो पॉइंट जिसके लिए एम्पलीट्यूड जीरो हो इसको जीरो कर लिया, यानी कि साइन ऑफ के एक्स प्लस पाई बाई टू इक्वल टू जीरो, साइन को यहां से हटा दो, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा एन पाई, यानी कि के एक्स प्लस पाई बाई सिक्स, सॉरी के एक्स प्लस पाई बाई सिक्स का जनरल सॉल्यूशन हो गया एन पाई, वहां पे के एक्स का सॉल्यूशन था एन पाई, यहां आ गया के एक्स प्लस पाई बाई सिक्स की वैल्यू आ गई एन पाई। अब मैंने बोला एन की मिनिमम वैल्यू लेके चलो, मान लेते हैं एन इक्वल टू वन जीरो लेके चलते हैं, एन की वैल्यू जैसे तुमने जीरो की, के एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई सिक्स टू पाई बाई लेमडा इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई सिक्स, पाई पाई कट गया, यानी कि यहां से क्या वैल्यू आ गई देखना, x इज इक्वल टू माइनस लेमडा बाई ट्वेल्व, पाई बाई सिक्स आ गया साइन की वैल्यू, देखना गौर से क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेमडा की वैल्यू आ गई माइनस लेमडा, x की वैल्यू आ गई माइनस लेमडा बाई ट्वेल्व। इसका मतलब क्या हुआ, जनरली हम लोग क्या पढ़ रहे थे, स्टैंडिंग वेव x इक्वल टू जीरो पे नोड आ रहा था, बट अब x इक्वल टू जीरो पे नोड नहीं है, अब जो है नोड शिफ्ट हो गया है लेमडा बाई 12 पे, यानी कि यहां पर नोड मेरा फंडामेंटल वाला एग्जिस्ट कर रहा है, जो सबसे पहला नोड है वो यहां एग्जिस्ट कर रहा है n बराबर 0 के लिए, जब n बराबर 1 डालोगे तो ये वाला डिस्टेंस देगा, ये x देगा, n बराबर 2 डालोगे तो फिर आगे वाला फर्दर वो आगे वाला देगा, यानी कि ये क्या बता रहा है कि नोड कहां पर लाई करेगा वही मेरा फेज फाई टू बता रहा है कि नोड एक्चुअली में 0 पे लाई करेगा या कहीं और लाई करेगा, जो पहला नोड जो बने का, क्या वो जीरो पे बनेगा या जीरो से पीछे या आगे भी बन सकता है, वो यही चीज बता रहा है, वो जो मेरा फाई टू है वो यही चीज, यहां पर मेरा फाई टू जीरो था, यहां फाई टू जीरो था, इसलिए जो मेरा नोड बना वो नोड मेरा कहां पर बना, वो नोड मेरा ओरिजिन पे बना, आई बात समझ में, तो ये फाई टू की बात आ गई। अब अपन बात करते हैं फाई वन की, आखिर ये फाई वन क्या बता रहा है, चलो फाई वन की बात करते हैं, फाई वन का भी एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है। अब मैं तुमसे एक बात पूछूं, चलो थोड़ा एस एच एम का रिविजन करते हैं और एस एच एम की बात करते हैं, जैसे मैं तुमसे एक बात पूछूं कि यार ये एक बॉडी एस एच एम कर रहा है, सपोज करो एक बॉडी एस एच एम कर रहा है, टी इक्वल टू जीरो पे वो मीन पे है, टी इक्वल टू जीरो पे कहाँ पे, मीन पे है, तुम तुरंत में फेजर ड्रॉ करते हो, तुम ऐसे बोलते हो फेजर ड्रॉ करते हो, तुम बोलते हो मैं बोला कि यार वो एक्सट्रीम पे चला गया, तुमने बोला यार वो यहाँ पहुंच गया, मैंने बोला यार एक्सट्रीम से वापस मीन पे आया, तुमने बोला यहाँ पहुंच गया, मैंने बोला इसके बाद निगेटिव एक्सट्रीम पे गया, तुमने बोला यहाँ पहुंचा वापस आ गया, मैंने बोला जब इधर जा रहा है तो इस वक्त फाई कितना है, कॉमन सेंस की बात है जीरो है, जब ये एक्सट्रीम पे पहुंचा यहां पे फाई कितना है भाई पाई बाई टू ही होगा, यहां पे ये एंगल कितना है तो ये एंगल पाई बाई टू है, मैंने बोला अगर वो इधर जा रहा है और ए बाई टू दूरी पे, कितनी दूरी पे है ए बाई टू दूरी पे, ये ए बाई टू और ये कितना हो गया ए, ये कितना हो गया, ये हो गया a बाई टू, ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया पाई बाई सिक्स, ये एंगल हो गया पाई बाई सिक्स, यानी कि इस मोमेंट पे इसका फेज कितना होगा, यानी कि फेज एक्चुअली बता क्या रहा है, एसएचएम में a साइन ओमेगा t प्लस फाई जो यूज करते हैं वो फाई क्या बता रहा है, वो फाई बता रहा है कि t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल कहां पे है, t इक्वल टू जीरो पे आखिर वो पार्टिकल कहां पे है, वही अपने को फाई बता रहा है, अगर t इक्वल टू जीरो पे वो मीन पोजीशन पे है तो फाई की वैल्यू जीरो होगी, t इक्वल टू जीरो पे अगर वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो फाई की वैल्यू पाई बाई टू होगी, t इक्वल टू जीरो पे वो अगर a बाई टू दूरी पे है और राइट में जा रहा है तो फाई की वैल्यू पाई बाई सिक्स होगी, तो ये फाई जो है ये अपने को बता रहा है कि आखिर वो पार्टिकल कहां पे है। अब सेम कंसेप्ट अप्लाई करो स्टैंडिंग वेव में, सेम कंसेप्ट अप्लाई करो स्टैंडिंग वेव में, अगर मान लो मैंने बोला कि स्टैंडिंग वेव में होता क्या है, तो स्टैंडिंग वेव में पार्टिकल कर रहा है ऑसिलेशन, स्टैंडिंग में पार्टिकल क्या कर रहा है ऑसिलेशन कर रहा है, तुम सोचो इस वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना तक गया है 2a तक, एक ऐसा ही पार्टिकल होगा जिसका एम्पलीट्यूड कितना होगा a होगा, एक ऐसा ही पार्टिकल होगा जिसका एम्पलीट्यूड a बाई टू होगा, बट ये सारा पार्टिकल क्या कर रहा है
SHM कर रहा है, किसी टाइम पर इस टू वे वाला एम्पलीट्यूड वाला पार्टिकल भी नीचे आया होगा और नीचे आया होगा, जीरो पे भी आया होगा, किसी टाइम पे ये ए वाला पार्टिकल भी ए बाई टू आया होगा, किसी टाइम पे ये ए बाई टू वाला पार्टिकल अपने से कम तो आया ही होगा ना, ऑसिलेशन कर रहा है ना वो, ये नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा ऊपर जा रहा है, कभी जीरो आया होगा, नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, जीरो आया होगा, सब कुछ कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है। ये ओमेगा टी वाला टर्म अपने को बता क्या रहा है, ये ओमेगा टी वाला टर्म एक्चुअली में अपने को बता रहा है कि भाई ऑसिलेशन करते समय, ऑसिलेशन करते समय वो सारा पार्टिकल इनिशियली कहां पर है। ये फाइव टू वाला जो टर्म है, ये फाइव वन वाला जो टर्म है, ये फाइव वन वाला जो टर्म है, ये बता रहा है कि पार्टिकल ऑसिलेशन, साइन ओमेगा टी तो बता रहा है कि वो ऑसिलेशन कर रहा है, बट उसके साथ जो ये फाइव वन जुड़ा हुआ है ये अपने को बता रहा है कि आखिर वो पार्टिकल कहाँ पे है। मतलब क्या हुआ समझाता हूँ, जैसे मानो मैंने बोला कि ये पार्टिकल, सारे पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पे है, स्टैंडिंग वेव में सारे पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पे हैं, अगर सारे पार्टिकल एक्सट्रीम पे है मतलब एक SHM में अगर ये ब्लॉक का मीन है तो सारा पार्टिकल अपने मैक्सिमम पे है, अगर सारा पार्टिकल अपने मैक्सिमम पे है दैट मींस जो हमारा स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन होगा, अगर ये ओरिजिन है तो इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू 2a sin kx + 0, क्योंकि ये ओरिजिन है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, प्लस पाई बाई टू अपने को ये बता रहा है कि सारा पार्टिकल एक्सट्रीम पे है। अगर मान लो मैंने बोला कि इसका जो है जिस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ए होता, टू ए होता, वो ए पे आ चुका है, वो कहां पे आ चुका है, ए पे, और ये ऊपर जा रहा है, ये वाला पार्टिकल ए पे है और ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, फाई कितना हुआ, इसका मतलब हुआ फेजर में ऊपर जा रहा है, मतलब एक्सट्रीम के तरफ जा रहा है, मतलब यहां पे है, ये हो गया a बाई टू, ये हो गया a, ये एंगल हो गया पाई बाई सिक्स, यानी कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, अगर सिचुएशन में सिर्फ ऐसा देता कि t इक्वल टू जीरो पे स्टैंडिंग वेव ऐसी a पे दिख रही है, पार्टिकल सारे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो एक स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन होता y इज इक्वल टू 2a sin ओमेगा t प्लस पाई बाई सिक्स इंटू साइन ऑफ के एक्स, ये पाई बाई सिक्स इसमें जुड़ता, ये पाई बाई सिक्स बता रहा है जैसे कि SHM में बता रहा था कि इनिशियली वो पार्टिकल कहाँ पे है, जैसे ये वाला पार्टिकल, टू ए वाला पार्टिकल ए पे है तो ए वाला पार्टिकल ए बाई टू पे होगा, जिसका एम्पलीट्यूड ए है वो ए बाई टू पे होगा, जिसका एम्पलीट्यूड ए बाई टू है वो ए बाई फोर पे होगा, जिसका एम्पलीट्यूड ए बाई फोर है वो ए बाई एट पे होगा, ये अपने को बता रहा है ये ओमेगा टी के साथ जुड़ा हुआ फाइव। तो ये सारा डिस्कशन हमारा था स्टैंडिंग वेव के ऊपर। एक बात अपने को और स्टैंडिंग वेव के बारे में पता होना चाहिए कि एक सिंगल लूप में दो नोड बनता है, एक एंटी नोड बनता है, यानी कि दो लूप में तीन नोड बनता है, दो एंटी नोड बनता है, ऑब्वियस सी बात है यार, एक लूप में दो नोड एक एंटी नोड, दो लूप में तीन नोड दो एंटी नोड, यानी कि नोड की संख्या हमेशा एंटी नोड से लूप में एक ज़्यादा होती है। आई बात समझ, ये तो खैर स्टैंडिंग वेव की सारी बातें कर ली हमने, सारा कुछ डिस्कशन कर लिया ये सारा, अगले टर्म पे अपने स्टैंडिंग वेव का एक दो सवाल भी लेंगे, ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ठीक है।